तो आगे बढ़ते हैं। डाइपोल के बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। डाइपोल क्या होते हैं? दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे के पास में रखे हो, बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखे हुए हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को डाइपोल कहा जाता है। और डाइपोल की वजह से हमने दो बड़े ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन इन परस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्जाम्स वो देखे। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे कि कोई भी डाइपोल है उसके एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और डाइपोल की जो इक्विटोरियल एक्सिस है, इक्विटोरियल एक्सिस क्या होती है? दोनों डाइपोल के बीच से गुजरने वाली एक्सिस इक्विटोरियल एक्सिस होती है, और डाइपोल के एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट अगर हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फॉर्मूले आए। एक्सिस के ऊपर तो आया 2 kp/r³, और इक्विटोरियल एक्सिस पे आया -2 kp/r³, है ना? ऐसे भी याद रखना, क्योंकि एक्सिस पे तो जो पी की डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इक्विटोरियल एक्सिस पे डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो और दोनों में रेशो क्या रहता है? 2:1 रहता है। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अब लेते हैं कि कोई डाइपोल अगर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में हो तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेते हैं, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, अगर कोई डाइपोल है वो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या, जैसे ये कोई एक्सटर्नल फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, और ये यूनिफॉर्म है यानी कि ये चेंज नहीं हो रहा, इस तरह से यूनिफॉर्म एक्सटर्नल कोई फील्ड है। इसमें कोई डाइपोल इस तरह से है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज वाला, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, ये ए है और ये डिस्टेंस भी ए है। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है इस केस में वो किस तरफ हो जाएगी? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो डाइपोल मोमेंट किधर हो गया? पी की डायरेक्शन इधर हो गई, क्यू टाइम्स टू ए, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ये हो गया पी का डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ई इस तरफ है, ई का डायरेक्शन है। पी और ई के बीच में कोई एंगल थीटा है, ये डायपोल अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रहे हैं, और मान लीजिए कोई जनरल कंडीशन में पी के बीच में और ई के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ई है तो इस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू वाले चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? फोर्स कितना होता है? कोई क्यू चार्ज पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो तो उसकी वजह से फोर्स कितना लगता है? क्यू ही लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला क्या था? ई बराबर था फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगाएगा? क्यू इंटू ई इस तरफ लगाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, परंतु नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या लगाता है? उल्टी डायरेक्शन में लगाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को इस तरफ खींचेगा। समझ में आई बात? पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है, पॉजिटिव कोई पॉइंट चार्ज हो उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, नेगेटिव कोई पॉइंट चार्ज है उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सारा इस तरफ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? कोई इधर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू ई हो जाएगी, है ना? इस तरफ हो जाएगा, और कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? क्यू ई। अब देखिए, एक अगर हम नेट फोर्स की बात करें कि इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स की बात करें तो ये क्यू ई इस तरफ है, ये क्यू ई इस तरफ है, ये दोनों क्यू ई एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो
तो पहली बात तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो, पहला पॉइंट तो क्या हो गया, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज इक्वल टू जीरो, डाइपोल पे नेट फोर्स तो जीरो है। लेकिन अगर हम डाइपोल का मोशन देखें तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि डाइपोल कुछ इस तरह से रोटेट होने वाला है यहाँ पे, है ना। कोई लकड़ी है, लकड़ी को कोई किनारे से इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो क्या डाइपोल इस तरह से रोटेट नहीं होएगा? यानी कि नेट फोर्स तो जीरो है उस पर, लेकिन डाइपोल पे लगने वाला नेट टॉर्क जीरो नहीं है। डाइपोल पे कोई ना कोई टॉर्क जरूर लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन नेट फोर्स जीरो लेकिन नेट टॉर्क इस पर जीरो नहीं है, रोटेट करवाएगा। अब देखो इसका पे ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क निकालते हैं अपन। टॉर्क ऑन डाइपोल, तो टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं। टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल मोशन में जैसा लीनियर मोशन में फोर्स का काम होता है एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना, वैसे ही रोटेशनल मोशन में 11th क्लास में रोटेशनल मोशन चैप्टर होता है, वहां पे टॉर्क निकाला जाता है। टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू फोर्स की जो लाइन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन की। देखो ये तो फोर्स की लाइन है QE इस तरफ है, और इस फोर्स की इस रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, तो ये होगी जैसे ये तो हो गया लाइन ऑफ फोर्स, उस लाइन ऑफ फोर्स की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है तो ये हो जाएगी ना, ये होगी नहीं होगी, ये ए है ये थीटा है, तो ये तो ए कॉस थीटा होता है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। टॉर्क कैसे आता है, इस क्यूई फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा, फोर्स इनटू फोर्स का रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस क्यूई की वजह से आएगा फोर्स इनटू रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये ए है तो ये भी क्या होगा ए साइन थीटा हो जाएगा। समझ आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी क्यूई इंटू ए साइन थीटा, और इसका भी क्यूई इंटू ए साइन थीटा। देखो ये क्यूई इंटू ए साइन थीटा, ये इस डायपोल को कैसे रोटेट कराना चाहता है, ये वाला क्यूई क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है, तो इसको मैंने मान लो प्लस ले लिया, ये वाला कैसे रोटेट कराना चाहता है ये भी, तो दोनों जो फोर्स है ये वाला क्यूई और ये वाला क्यूई दोनों क्या कर रहे हैं, डायपोल को क्लॉकवाइज ही रोटेट कराना चाहते हैं, तो दोनों के लिए टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, सेम होगी। तो मैं इसको QE into A sin theta लिया, तो दूसरे वाले को क्या ले सकते हैं, QE into A sin theta ले सकते हैं, है ना, दोनों क्या होंगे ऐड होंगे, तो ऐड करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, QE twice of QE into A sin theta हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू मैं Q टाइम्स 2A, A को Q टाइम्स 2A के साथ ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे ले लेता हूँ E और यहाँ पे ले लेता हूँ साइन थीटा। तो Q टाइम्स 2A तो क्या होता है, डायपोल मोमेंट P होता है, तो यहाँ पे टॉर्क की जो वैल्यू आएगी, टॉर्क आ जाएगा P E साइन थीटा आ जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गया, P E साइन थीटा, ठीक है। P हो गया डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया साइन थीटा, तो P E साइन थीटा, ये हमारा क्या आ गया, नेट टॉर्क आ गया यहाँ पर, ओके। और इसको और थोड़ा अगर इम्प्रूव करके लिखें तो दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है मैग्नीट्यूड का, और आगे कौन आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है ना, वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे पी ई साइन थीटा में पी के बीच में कौन सा मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, पी क्रॉस ई हो जाता है, तो टॉर्क बराबर क्या होगा, पी क्रॉस ई, ठीक है। तो कोई भी डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स डायपोल पर क्या होता है, जीरो होता है, बट नेट टॉर्क विल नॉट बी जीरो, नेट टॉर्क विल नॉट
जीरो, ठीक है। नेट फोर्स तो जीरो होता है उस पर लगने वाला, लेकिन नेट टॉर्क उस पर जीरो नहीं होगा। और टॉर्क निकालना है तो वही क्यू ई इंटू ए साइन थीटा, क्यू इंटू ए साइन थीटा किया हमने, तो फाइनली हमारे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आया, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई आ गया। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरह से डायपोल पे जब भी कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, नेट फोर्स तो जीरो होगा लेकिन नेट टॉर्क क्या होगा, पी क्रॉस ई होगा। अब आप देखिए ये पी हो गया, पी की डायरेक्शन ये है, पी क्रॉस ई। राइट हैंड थंब रूल से हम टॉर्क की डायरेक्शन निकालते हैं, तो पी का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है, तो पी क्रॉस ई की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर है। और टॉर्क अगर अंदर है तो रोटेशन कैसा होता है, क्लॉकवाइज। तो इसे ये डायपोल अभी कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां तक ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे लेते हैं हम डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा। अब हमने पिछले लेक्चर से पिछले लेक्चर में डायपोल से पहले हमने एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं कि कोई अगर एरिया हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस एरिया से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है ना, पॉसिबल नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने एक टर्म डिफाइन की थी, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या डिफाइन किया था कि कोई भी एरिया से गुजरने वाले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनको क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेट करना इज नॉट वेरी मच फिजिबल और पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, हम उसे क्वालिटेटिवली कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है ना, ई डॉट ए होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था ना, ई डॉट ए, या फिर ई ए कॉस थीटा, या फिर अगर कोई छोटे छोटे कोई कंटिन्यूस एरिया है उसमें अगर जोड़ा जाए तो क्या आता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पहले पढ़ रखा है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करते हुए एक बहुत ही गजब की थ्योरम है जो गाउस ने दिया। उस गाउस की थ्योरम को हम समझेंगे और उसके एप्लीकेशंस हम आगे पढ़ेंगे। गाउस नाम का एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था वैसे तो। गाउस का नाम जो है वर्ल्ड के सबसे जो ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस हैं उनमें नाम आता है। गाउस है, हैमिल्टोनियन है, फ्यूलियर है, ये कुछ ऐसे ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने बहुत ही एडवांस लेवल के डिस्कवरीज, एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स को डेवलप किया। तो यहाँ पे गाउस ने एक बहुत ही प्यारा थ्योरम दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेते। उसने क्या बोला कि कोई भी, गाउस थ्योरम क्या थी यहाँ पे, गाउस थ्योरम, गाउस लॉ। गाउस ने क्या बोला कि अगर कोई क्लोज्ड एरिया है, कोई क्लोज सरफेस है, मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में कोई चार्ज मान लो क्यू इनक्लोज्ड है, जो भी इस क्लोज सरफेस में चार्ज है उसको क्या बोला उसने, क्यू इनक्लोज्ड चार्ज बोला। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे रेडियली आउटवर्ड से जाएगी, जाएगी ना, जाएगी नहीं जाएगी। तो उसने बोला कि ये जो भी क्लोज्ड एरिया है, ये कैसा भी है, ये एरिया क्लोज्ड एरिया कैसा भी है, इससे गुजरने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे उनकी वैल्यू जो होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ये थ्योरम था कि टोटल जो फ्लक्स होंगे किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाले वो बराबर होते हैं क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो गाउस का थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था कि फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज्ड एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू, फ्लक्स
फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना. तो जो भी टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज्ड एरिया से पास होने वाला, क्लोज्ड एरिया जरूरी है, उस क्लोज एरिया में थोड़ा भी पंचर भी नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा भी एकदम पंचर हो गया तो गड़बड़ हो जाती है, है ना. थोड़ा सा भी उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्टली क्लोज्ड सरफेस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है. तो Q enclosed upon epsilon naught होता है टोटल फ्लक्स जो कोई भी किसी भी क्लोज सरफेस से पास होगा. इस लॉ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स जो फाई होता है, फाई का वैल्यू क्या होता है, ई डॉट डी ए. कोई भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो गया, कोई ई डॉट डी हो गया. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. हो जाएगा ना. यहाँ पे एरिया कैसा होना चाहिए, क्लोज एरिया होना चाहिए. कैसा होना चाहिए एरिया, क्लोज एरिया. क्लोज एरिया को दिखाने के लिए हम इंटीग्रेशन पे एक सर्कल लगा देते हैं. यहाँ पे इंटीग्रेशन पे एक ऐसे राउंड सर्कुलर शेप लगा देते हैं जो किस बात को डिनोट कर रही है कि जो एरिया, जिस एरिया के साथ आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर रहे हो वो एरिया का नेचर कैसा है, क्लोज्ड एरिया. क्लोज एरिया का मतलब क्या, एक ऐसा 3D एरिया जिससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है. तो उस क्लोज्ड एरिया से जितने भी फ्लक्स गुजरेंगे वो हमेशा किसके बराबर होंगे, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होंगे. यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड क्या है, क्यू इनक्लोज्ड है वो चार्ज जो उस एरिया के अंदर, नेट चार्ज इन एरिया, ठीक है. मान लो इस एरिया में कोई 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और फिर -3 का भी रखा हुआ है, तो नेट चार्ज क्या कहा जाएगा, 5 - 3 2 कूलम. समझे बात को. यहाँ पे जो क्यू इनक्लोज है, हियर क्यू इनक्लोज, ये क्या है, नेट चार्ज, नेट चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, ठीक है. क्लोज सरफेस का नेट चार्ज, जो भी नेट चार्ज होगा यहाँ पे जितने भी चार्ज रखे उन सब का समेशन करने के बाद में जो नेट चार्ज आया वो क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड होता है, ठीक है. इस थ्योरम का प्रूफ भी देखेंगे, बड़ा आसान होता है ना, बहुत ही सिंपल होता है, उसे भी अपन समझेंगे. पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए. तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पाई होता है. इसका डेरिवेशन देखते हैं हम. जैसे मान लीजिए कोई, मैं प्रूफ ले रहे हैं गाउस लॉ का, समझना, बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ है इसका. मान लीजिए सेंटर पे कोई मैं चार्ज क्यू ले लेता हूँ, ये कोई चार्ज क्यू लिया, इस क्यू चार्ज के सराउंडिंग में मैं एक स्फेयर ले लेता हूँ. क्या ले लेता हूँ, स्फेयर. इस स्फेयर की जो रेडियस है आर है, स्फेयर की रेडियस क्या है, आर है. और स्फेयर के सेंटर पे क्या रखा हुआ है, कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है. अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगी ऐसे, और अपन चेक करना चाहते हैं कि ये पॉइंट चार्ज इस स्फेयर से कितना फ्लक्स गुजारेगा. अपन चेक करना चाहते हैं कि फ्लक्स बाय दिस पॉइंट चार्ज फ्रॉम दिस स्फेयर, तो अपन देखना चाहते हैं फ्लक्स बाय पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज ऑन क्लोज स्फेयर, जो क्लोज्ड स्फेयर है. तो देखो यहां पे फ्लक्स कितना आएगा. फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं. फ्लक्स फाई बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ई डॉट डी. इस बात का हम यूज करते हैं. इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे मान लो मैं एक छोटा सा टुकड़ा लिया हूं एरिया का. अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है. तो यहाँ पे छोटा सा एरिया डीए लिया तो उस डीए की डायरेक्शन बाहर की ओर है, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, बाहर की ओर है. तो सरफेस के ऊपर छोटा सा एरिया में डीए अगर लेता हूँ, उस डीए पे
इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है और एरिया वेक्टर भी क्या है, बाहर। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है ना। वहां पे छोटा सा एरिया लिया तो एरिया वेक्टर बाहर की ओर, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या, बाहर की ओर। दोनों के बीच में एंगल कितना, 0। तो मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूँ फाई। तो छोटा सा एरिया और छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो कॉस 0 1 हो गया, तो फ्लक्स फाई बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन केवल ई डी ए ही आ गया, आ गया। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से जितने भी छोटे छोटे ये डीए 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 मैं लूँ, अगर कोई इस स्फेयर के ऊपर जितने भी छोटे छोटे एरियाज है डीए 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 डीए, उन सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कांस्टेंट होगा। और उसकी वैल्यू अगर देखें अपन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, टाइम्स डी हो जाएगा ना। अब के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर आर भी क्या है, कांस्टेंट ही तो है। तो ये बाहर आ जाएगा, यानी फ्लक्स क्या आ जाएगा, के को मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अंदर क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। अब जो डीए है, देखो डीए की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन डीए का जो वैल्यू होगा, इंटीग्रेशन डीए का वैल्यू, खाली इंटीग्रेशन डीए का वैल्यू चाहिए। इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग होता है ऐड करना, छोट छोट पीसेस में कोई क्वांटिटी को ऐड जब करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे स्फेयर के सभी छोटे 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 एरियाज को जब मिला के आप ऐड करोगे तो इंटीग्रेशन डीए क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगी, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा स्फेयर का, टोटल सरफेस एरिया ये आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया किसी स्फेयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कोई भी स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हमें यहाँ पे क्या लेना है, इंटीग्रेशन डी ए, ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। तो इस इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स 4/r² आ गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ गई, क्यू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो फ्लक्स गुजर रहा है वो कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, नहीं आया, आया ना। यानी कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस स्फेयर से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये जो निकलने वाला फ्लक्स है, क्या वो रेडियस की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा ना। यानी कि अगर ये स्फेयर आप छोटा लेते, बड़ा लेते, कितने ही साइज का लेते, फ्लक्स हमेशा क्या होते, सेम होते। और इसका कारण क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन ये है कि आप इस चार्ज से मान लो 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली है, कितनी निकली है, 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली है, तो कोई बड़ा स्फेयर होगा उससे ये तीर कितने पास होंगे, 1000 ही पास होंगे। और बड़ा स्फेयर लेंगे तो वो भी तो कितने पास होंगे, 1000 ही पास होंगे। स्फेयर छोटा ले लोगे तो भी कितने पास होंगे, 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो पास होंगे। तो आप स्फेयर छोटा बड़ा कितने भी साइज का लो, जो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो इस छोटे वाले पॉइंट चार्ज से निकल चुकी है, वो अगर 1000 निकले तो सभी जितने भी स्फेयर होंगे उन सबसे कितना क्रॉस होगी, 1000 ही तो क्रॉस होगी, है ना। अब ये तो आपने मान लो स्फेरिकल एक सिमेट्रिक शेप ली है, लेकिन अगर आप रैंडम शेप ले लेते, जैसे मान लो मैं छोटे स्फेयर लेता हूँ तो उससे भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, बड़े स्फेयर लिया तो उससे भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। मैं कोई रैंडम शेप ले लूँ, ऐसे रैंडम शेप ले लिया कोई, लेकिन वो क्लोज है, रैंडम शेप लिया पर वो क्या है, क्लोज है, तो क्या उससे भी 1000 लाइनें पास नहीं होगी क्या। हमने ये डेरिवेशन तो किया किसके लिए, एक सिमेट्रिक स्फेयर के लिए किया है, इसके लिए किया है, सिमेट्रिक स्फेयर के लिए किया है ना। लेकिन ये तो सभी के लिए भी सही होगा, कोई भी रैंडम शेप के लिए भी सही होगा, है ना। तो दिस वैल्यू ऑफ फ्लक्स
होल्ड्स एक्यूरेट एक्यूरेट फॉर एनी काइंड ऑफ शेप. ऐसा क्यों? क्योंकि इट डू नॉट डिपेंड अपॉन आर, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन आर. रेडियस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप उस शेप कैसे भी ले लो, उन सभी के लिए ही क्या आने वाला है, फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आने वाला है. तो फाइव जो क्लोज सरफेस से होगा इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए, इसकी वैल्यू किसी भी तरह का सरफेस होगा उसके लिए क्या होगी, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी. समझ में आई बात? तो ये हर तरह के सरफेस के लिए भी लागू होगा. इसने इसको देखते हुए गाउस ने अपना नियम दे दिया, किसी भी तरह की क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हमेशा किसके बराबर होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है. ठीक है, ये प्रूफ नोट कर लीजिए. अब देखो, गाउस लॉ को अप्लाई करना है हमें अलग अलग केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए. मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना गाउस लॉ का मकसद होता है, उसका एक बहुत प्यारा एप्लीकेशन है. हम गाउस लॉ को अप्लाई करेंगे, उससे पहले कुछ एक पॉइंट्स हम गाउस लॉ से रिलेटेड सीख लेते हैं. तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर गाउस लॉ, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर गाउस लॉ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं गाउस लॉ के लिए. सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गाउस लॉ जब अप्लाई करते हैं तो ये किसी भी तरह के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, है ना. गाउस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ सरफेस. ठीक है, तो पहला पॉइंट है गाउस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सरफेस, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ एनी सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस. किसी भी क्लोज सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये पहला पॉइंट है. क्या मतलब इस बात का? जैसे मान लीजिए मैंने एक स्फीयर लिया, इसके सेंटर पे क्यू रख दिया, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा. यहाँ से जो भी फ्लक्स निकलेगा कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा. अगर मान लो मैं क्यूब रख लेता हूँ, है ना, इस तरह का होना, बस से ये क्लोज सरफेस, के सेंटर पे क्यू चार्ज रख लिया, तो इसके सभी फेसेस से, सब जगह से गुजरने वाला जो तो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, है ना. कोई भी रैंडम शेप कुछ भी हो, तो उससे भी गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, बस क्लोज सरफेस है और सेंटर पे अगर चार्ज क्यू है तो फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा. तो गाउस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेस, है ना. कैसी भी हो क्लोज सरफेस, उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा. दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गाउस लॉ के अंदर जो इनक्लोज चार्ज लेते हैं वो नेट इनक्लोज चार्ज दिया जाता है. नेट इनक्लोज चार्ज का मतलब क्या, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उन सभी को सम करते हुए लिया जाएगा. ठीक है, और दूसरी बात, चार्ज की लोकेशन कुछ भी हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो दूसरा पॉइंट ये है कि इन गाउस लॉ एट राइट साइड नेट इनक्लोज चार्ज, नेट इनक्लोज चार्ज इज टेकन, राइट साइड में जो है ना क्यू इनक्लोज अपने एब्सोल्यूट, उसमें नेट इनक्लोज चार्ज लिया जाता है जो क्लोज सरफेस में है. ठीक है, और उस इनक्लोज चार्ज की उस क्लोज सरफेस में पोजीशन क्या है उस पे भी
लॉ डिपेंड नहीं करेगा. इट डू नॉट डिपेंड, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन पोजिशन ऑफ इनक्लोज चार्ज इन साइड क्लोज सरफेस. ठीक है, क्लोज सरफेस में चार्ज की पोजिशन क्या, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा. क्या मतलब इस बात का, देखो ध्यान से समझिए कि मान लो ये कोई क्लोज सरफेस लिया, इस क्लोज सरफेस में एक तो है पॉइंट चार्ज q, एक है 2q, एक है माइनस 3q, एक है प्लस का 5q, इतने सारे चार्ज है ना, बहुत सारे चार्ज रखे हुए. लेकिन जब गाउस लॉ लगाओगे और आपसे पूछा जाएगा कि इससे बाहर निकलने वाले टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, देखो 3q तो अंदर ले लेगा, 5q, 2q, q बाहर लेंगे, तो अपना जो q इनक्लोज्ड होगा, q इनक्लोज्ड की वैल्यू वो क्या होगी, नेट चार्ज होगी q प्लस 2q प्लस 5q माइनस 3q, तो यह जाएगा q प्लस 2q प्लस 5q माइनस 3q, तो कितना हो जाएगा, यह जाएगा 5q, तो जो फ्लक्स हो जाएगा टोटल निकलने वाला कितना हो जाएगा, q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा इस केस में. समझ में आई बात, 5q upon epsilon naught, that is the net flux which is passing from this area. Okay? और एक और बात, मान लो ये कोई क्लोज सरफेस लिया आपने, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है क्यू, तो भी कितना होगा फ्लक्स, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. चार्ज यहाँ पे रख दिया जाए तो भी कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. चार्ज यहाँ पे रख दिया जाए तो भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो चार्ज की पोजिशन पे डिपेंड नहीं करेगा, अंदर चार्ज कहीं पे भी रखो, क्योंकि भाई निकलने वाले जो फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो तो उतनी ही रहनी है. अगर वो इस पॉइंट चार्ज से 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गई है, तो कोई भी क्लोज सरफेस जो होगा उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्या होगी, उतनी ही होगी. समझ में आई बात, अगर क्लोज घेरा बन गया है तो उस क्लोज घेरे से तो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, चाहे अपन चार्ज की पोजिशन कुछ भी रख दें, है ना. तो चार्ज की पोजिशन पे डिपेंड नहीं करेगी, चार्ज की पोजीशन आप कहीं पे भी रख दीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो उतनी ही रहेगी, यानी कि फ्लक्स उतना ही रहेगा. समझ आई बात. तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए गाउस लॉ आप लगा रहे हो, ठीक है, और कुछ चार्ज बाहर रखा हुआ है, जैसे क्यू वन क्यू टू बाहर रखा हुआ है और क्यू थ्री अंदर रखा हुआ है ना, तो देखो Q1 से जो गुजरने वाला लाइन है वो इस क्लोज सरफेस से एंटर हो रही है क्लोज सरफेस में, लेकिन वो इस क्लोज सरफेस से बाहर भी तो निकल जाएगी, वापस निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी. Q1 जो बाहर वाला चार्ज है, उस बाहर वाले चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस क्लोज सरफेस के अंदर एंटर कर रही है, एंटर करने के साथ साथ वो बाहर एग्जिट भी तो कर ले रही है. Q2 वाले भी देखो ऐसे एंटर भी कर रही है और एंटर करने के साथ एग्जिट भी कर रही है ना, पर Q3 से जो निकलने वाली है वो केवल क्या हो रही है, इस क्लोज सरफेस से बाहर ही निकल रही है. इसका मतलब जो चार्ज बाहर होता है, आउटसाइड होता है, उसकी वजह से कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट नहीं हो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उस क्लोज सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जो लाइन या तो उससे जो बाहर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वही क्या होती है, नेट लाइन्स होगी. अब देखो ये बाहर निकलने वाली मान लो पॉजिटिव ले ले, अंदर एंटर होने वाली नेगेटिव ले ले, तो टोटल लाइन्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, बाहर वाला चार्ज की वजह से. बाहर वाला चार्ज मान लो 100 लाइन्स उस क्लोज सरफेस की तरफ भेज रहा है, तो उस क्लोज सरफेस में एंटर होगी, एंटर होकर वापस एग्जिट हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी हुई, जीरो, है ना. तो आपका गाउस लॉ जो होता है वो केवल अंदर की और जो क्लोज सरफेस में चार्ज है उसी पे ही लागू होता है, बाहर वाले चार्ज पे अप्लाई नहीं होगा. तो गाउस लॉ अप्लाई ओनली फॉर इनसाइड चार्ज ऑफ क्लोज सरफेस, इनसाइड चार्ज ऑफ क्लोज सरफेस, नॉट फॉर आउटसाइड चार्ज. ठीक, आउटसाइड चार्ज की वजह से कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आउटसाइड चार्ज का नेट फ्लक्स कितना है,
जीरो है, है ना, बिकॉज नेट फ्लक्स फ्रॉम आउटसाइड चार्ज इज जीरो, क्योंकि बाहर वाला जो चार्ज होगा वो फ्लक्स लाइन अंदर तो भेजेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर भेजेगा उसको वापस, बाहर भी वो निकल जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर वाले चार्ज की वजह से कितनी हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। समझ आई बात? तो ये कितने पॉइंट आप नोट कर लीजिए और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए, कि जब भी कोई गाउस लॉ हम किसी क्लोज सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्लोज सरफेस को, जो हमारा चार्ज है इनक्लोज चार्ज, उसके आसपास जो भी क्लोज सरफेस अपन डिसाइड करते हैं ड्रॉ करते हैं उस सरफेस को गाउस सरफेस बोला जाता है, ठीक है। तो हमें गाउस सरफेस को डिसाइड करना होता है जब भी हमें गाउस लॉ लगाना होता है, तो गाउस सरफेस डिसाइड करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना पॉसिबल हो सके गाउस सरफेस कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। गाउस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मान लो आप इजीली इजी वे में गाउस सरफेस गाउस लॉ को अप्लाई करना चाहते हो तो गाउस सरफेस ऐसी मानिए जो सिमेट्रिक हो, या फिर उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल या तो जीरो हो या फिर 90 डिग्री हो, ताकि ई डॉट डी ए वाला कॉस 0 और कॉस 90 का लफड़ा खत्म हो जाएगा, कोई जनरल थीटा आ जाएगा तो फील्ड लगेगा नहीं लो, है ना। तो गाउस सरफेस को कंसिडर करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना है वो पॉइंट्स एक बार लिख लेते हैं, फिर इसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस पे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हाउ टू स्टेप्स टू पॉइंट्स टू कीप इन माइंड फॉर सेलेक्टिंग गाउस सरफेस पॉइंट्स for selecting Gauss surface. तो पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आप सरफेस सेलेक्ट करो तो आपको एक ऐसी सरफेस सेलेक्ट करनी है जो सिमेट्रिक होनी चाहिए, सिमेट्रिक अबाउट इंक्लोज चार्ज, है ना। इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट इनक्लोज्ड चार्ज। जो हमारा इनक्लोज्ड चार्ज होता है उसके अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे सिमेट्रिक सरफेस में कैसा हो गया, एक स्फीयर की सिमेट्री हो गई या फिर एक क्यूब की सिमेट्री हो गई, है ना, इस तरह से। दूसरी बात सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरी बात गाउस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कुछ ऐसी सरफेस मानो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन गाउस सरफेस should be equal। गाउस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कोशिश हमारी रहनी चाहिए अगर हम इजीली गाउस लॉ को अप्लाई करके कोई क्वेश्चन या डेरिवेशन निकालना चाहते हैं। तो तीसरा पॉइंट गाउस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और जीरो हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना होता है गाउस सरफेस को चूज करते समय, कि गाउस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर या तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हो एक दूसरे के या एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, है ना। एट एवरी पॉइंट ऑन गाउस सरफेस इलेक्ट्रिक
फील्ड एंड एरिया वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इधर शुड बी पैरेलल इधर शुड बी पैरेलल और परपेंडिकुलर ठीक है, या तो थीटा 0 डिग्री हो या फिर थीटा 90 डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। समझ में आई बात? तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम कभी भी गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, गॉस लॉ का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं गॉस लॉ को अप्लाई करते समय। एक आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले कुछ आसान क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ऐसे आसान क्वेश्चन में आपको पता लगाना है कि भाई ये मान लो कोई सरफेस है, इस सरफेस के अंदर है कोई 5 कूलम्ब चार्ज और इस सरफेस के कोई बाहर है 3 कूलम्ब चार्ज यहाँ पर, ठीक है। इस सरफेस से गुजरने वाले नेट फ्लक्स कितने हैं? नेट फ्लक्स फ्रॉम सरफेस कितना है बताओ, कितना हो जाएगा? कौन सा चार्ज लेंगे? 3 कूलम्ब का कोई रोल होगा क्या? केवल 5 कूलम्ब का होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 कूलम्ब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी? 8.85 × 10^-12। तो ये कितना आ जाएगा? 5 में 8.85 का डिवाइड किया, लगभग इसको 9 ले लूँ, 9×5 = 45, 5 × 5 = 0, यानी कि ये भी हो गया लगभग 5.5 × 10^12 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये फ्लक्स आ गया इतना। समझ आई बात? ये आंसर हो जाएगा क्लियर, ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। और देखो क्वेश्चंस, जैसे कोई मान लो मैं क्यूब ले लेता हूं, जैसे एक क्यूब है, क्यूब के कितने फेस होते हैं? क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं ना क्यूब के। इस क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है? क्यूब के सेंटर पे क्या चार्ज रखा हुआ है? कोई स्मॉल क्यू रखा हुआ है। अब इस स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से क्यूब के किसी एक फेस से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू, यानी केवल एक फेस, ये वाला, जैसे आप इस कमरे में बैठे हो तो इस कमरे के सेंटर पे मान लो यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो किसी एक फेस से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो? क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है तो हमें पता लगाना है फ्लक्स फ्रॉम एनी वन फेस ऑफ क्यूब कितना होगा, कोई एक फेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। देखो इस पूरे क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वो कितने फेस से गुजरने वाला है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितने फेस से गुजरने वाला है? फ्रॉम 6 फेसेस, तो एक फेस से कितना गुजरेगा? 26 हो जाएगा ना। तो क्यू अपॉन ये तो है कितना, कब से, किससे? फ्रॉम 6 फेसेस, तो 1 फेसेस से कितना जाएगा? फ्रॉम 1 फेस फ्लक्स कितना जाएगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल होते हैं कि एक फेस से गुजरने वाला क्यू अपॉन 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में? तो इस तरह से गॉस लॉ को अप्लाई करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसे नोट कर लीजिए।